तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल इंटरमेबल आर्टिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज रैपिडो का जो 4 आवर का चैलेंज है मैं पूरा कर रहा हूँ, और 2-3 दिन में मैं ओला का करूँगा। तो मेरी पहली राइड आ गई है, मैं जा रहा हूँ, लेट्स गो। गाइज़ एक राइड हो चुकी है, अब देखते हैं 4 घंटे में कितना हुआ होगा मेरा काम। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे और एक 24 घंटे, ये 5 चैलेंज मैं लूँगा। अब देखते हैं क्या हिसाब रहेगा, कैसा रहेगा। तो लेट्स गो, वेट कर रहा हूँ अभी तो मैं। बुकिंग आ रखी बुकिंग हेलो। हाँ जी मैं पहुंच गया था। OTP बता दीजिए। 6991 सहजदारा रोड पे छोड़ना ना, तो अमेजन इंस्टीट्यूट। कितना
तो गाइस इसी बीच मुझे इमरजेंसी लग गई थी, मुझे टॉयलेट आ गई थी और मैं घर के पास था, तो मुझे मैं सोच रहा था मैं घर होके आ जाऊँ। पेट्रोल पंप में भी जा सकता था लेकिन पेट्रोल पंप में इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं, बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। अब मुझे 24 आवर्स अपना जो चैलेंज है, सबसे ज़्यादा मुझे डर यही लग रहा है कि मैं उसमें कैसे जाऊँगा वॉशरूम। मुझे और किसी की टेंशन नहीं है, ऊपर से हमारे घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बड़ी टेंशन हो रही थी। फिर मैं घर पहुँचा, आया पानी आंटी? तो गाइस जो मैं घर आया था हगने के लिए, ये बड़ा इशू कर गया और अब आधा घंटे तक मुझे वेट करना पड़ा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये लग रहा है जो लंबे आवर्स होंगे, 20 आवर्स 24 आवर्स वाला चैलेंज में, उसमें मुझे वॉशरूम की ही सबसे ज़्यादा इशू आएगा और किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है। खाने वाने का जुगाड़ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू यही है। पर क्या करें यार, कमाई भी ज़रूरी है और हगना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। अब फूड का ऑर्डर आया, जा रहे हैं इस, ये जो हमारा एरिया है घर के पास है, ये बारीघाट का पुल कहते हैं, यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है शाम के टाइम भी, क्योंकि गली बहुत छोटी है और आने जाने के भी यहाँ पे गाड़ियों की वजह से काफ़ी जाम लगता है, फिर छोटी सी गली है। तो गाइस बड़ा लाइट फील हो रहा है अब फ्रेश होने के बाद। अब मैं पहुंच गया हूँ केसी सूप बार, यहाँ से ऑर्डर उठाएंगे फिर देखते हैं। आनंद अपार्टमेंट से पास जाना तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, अब ऑर्डर आया है मुझे पैसिफिक मॉल से। पैसिफिक मॉल में पहले हमें बेसमेंट में जाना होता है और बेसमेंट से फिर थर्ड फ्लोर तक जाना पड़ता है, आधा टाइम तो हमारा यहीं बर्बाद हो जाता है। लिफ्ट से जाते हैं हम, गाइज अब मुझे वॉकिंग बूट्स का ऑर्डर आया था नेक्स्ट, वो मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, मैं जा रहा हूँ वॉकिंग बूट्स पे। सत्तावन पैंसठ ये भैया 9802 होगा। 5920 98 02 ना मेरा
तो गाइस 4 घंटे का जो चैलेंज था वो पूरा हो चुका है और 4 घंटे में रैपिडो में आपको अर्निंग दिखाता हूँ अब की कितनी। ये तो गाइस ये है अर्निंग 4 घंटे में रैपिडो में जो हुआ है 438 का शाम में हुआ है। तो अब देखते हैं कल परसों में मैं ओला का करूँगा, फिर देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट।